होगी नहीं, ऑब्वियसली ट्रैक है तो हिट एंड मिस होगा, और सस्पेंस एक है तो पर शांत तो होने नहीं देगा शादी। तो आई थिंक प्ले आउट बहुत अच्छा है इस सीक्वेंस का और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम वही सीक्वेंस शूट के आगे की स्टोरी हमें भी नहीं पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कुछ होने वाला है पर इतना पता है तो अभी कल तक, कल परसों में हमें पता चला एग्जैक्टली हम आगे क्या करने वाले हैं। अच्छा, वैसे इस ट्रैक में सबने हर पिक्चर का नाम ले लिया, सीता और गीता, जुड़वा, लेकिन मतलब विराट को तो पता नहीं है कि वो मशीन है। तो क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है कि दूसरी कोई रजनी दिखने वाली है? आपको तो देखना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। आई डोंट थिंक सो इतने जल्दी कुछ रिवील कर पाएंगे हम, पर होप सो नहीं होगा ऐसे, बिकॉज रजनीत ने तो इतना अच्छा काम किया अभी तक, तो देखते क्या होता है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो बाबूजी ने एक बहाना ढूंढ ही लिया है कि कौवे को बुला के लिया, हाँ, तो ये काफी फनी सीन है, इस बारे में आप क्या बोलिए? कौवा तो बहुत ही कमाल का, बिकॉज जो पहले एपिसोड में भी कौवा जब आया था तो बहुत मुझे अच्छा लगा था कि ये अलग ट्रीटमेंट है, मतलब माँ उनके पिताजी को कौवा कौवा के रूप, कौवे के रूप में देखती है, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी फॉर्म आया सामने। तो अभी वही कौवा बार बार बचाता है हमें, तो अभी अभी भी बचा लेगा अभी शायद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।